जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको तुलसी के पत्तों को अगर आप अपने सिराहने रख कर सो जाते हैं तो उससे कौन से चौंका देने वाले फायदे आपको मिलते हैं उसी के बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगी। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इंसान कैसे मालामाल हो सकता है आज के इस वीडियो को जान करके आपको पता लगेगा। बस ये काम करना कैसे है हम आपको आज के इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। तुलसी का हिंदू धर्म में कितना महत्व है ये बात मैं आप सभी को नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी को ये बात पता है कि तुलसी की जड़ से लेकर पत्तियों तक कितना लाभकारी होता है ये पौधा। स्वास्थ्य से लेकर वास्तु तक तुलसी का इस्तेमाल हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं। इसके साथ ही तुलसी के पौधे का वर्णन हमारे शास्त्रों में कई जगह किया गया है जिससे कि हम अपनी सोती हुई किस्मत को जगा सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि तुलसी के पत्तों को क्यों सिराहने रखकर सोना चाहिए और इसका फायदा क्या क्या है। आपको चार तुलसी के पत्ते अपने सिराहने रखकर सो जाना है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या करना है आपको, किसी भी दिन आप चार तुलसी के पत्तों को अपने सिराहने रखकर सो जाइए और सोते वक्त आपको कोई भी मंत्र, आपको जो भी मंत्र आता है, आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं तो गायत्री मंत्र बोल दीजिए, या फिर महामृत्युंजय मंत्र आता है वो बोल दीजिए, या फिर कई सारे मैंने आप सभी को मेरे वीडियोस में लक्ष्मी मंत्र बताए हैं वो बोल दीजिए, लेकिन 11 बार आपको मंत्र को बोलना है। कोई भी मंत्र आप 11 बार जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद आप आराम से सो जाएं, एकदम टेंशन फ्री होकर आप सो जाएं और सुबह उठते ही इन चार पत्तों को चबा चबा कर आपको खा लेना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ चार तुलसी के पत्तों को आपको लेना है। आप शाम होने से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ लीजिएगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि संध्या के बाद आप तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ेंगे और रविवार के दिन भी आप तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, ये बिल्कुल ही वर्जित है। सोमवार से लेकर शनिवार तक आप दोपहर में या फिर सुबह के समय ही चार तुलसी के पत्तों को तोड़ करके रख लें और रात में जब आप सोने जाएं तो चार तुलसी के पत्तों को आप अपने सिराहने पर रखकर सोएंगे और सोते समय जो भी मंत्र आपको आता है, मैंने कल के वीडियो में भी आप सभी को एक महालक्ष्मी मंत्र बताया है, गुप्त मंत्र है वो, उसे भी आप चाहे तो 11 बार बोल सकते हैं। सिर्फ चार शब्दों का ही मंत्र है, आप चाहे तो उस वीडियो में जाकर देख लें, या फिर जो भी मंत्र आपको आता है उसका आपको उच्चारण करना है, 11 बार आपको मंत्र का जाप करना है और आराम से सो जाना है और सुबह उठते ही इन चारों पत्तों को चबा चबा कर आपको खा लेना है। ऐसा कर लेने से जो भी फायदा होगा मैं आपको वो बता ही नहीं सकती, मतलब मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। आपके मन में जो भी कोई दबी हुई इच्छा है, बस आप उस चीज को अपने मन में धारण करके इस कार्य को कीजिएगा, सवेरे तक आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन पूरे मन विश्वास के साथ इस काम को कीजिएगा, 11 बार आप मंत्र जाप कीजिएगा, सुबह तक आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुलसी के पत्तों में जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है उसका प्रभाव आपके मन और शरीर दोनों पर पड़ता है जिससे कि आपको बुरे सपने नहीं आते और गहरी नींद आ जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति को मानसिक विकार है, उसे ठीक से नींद नहीं आती है, तो ऐसे लोगों को भी तुलसी के पत्तों का ये सिराहने रखने वाला जो प्रयोग है वो जरूर करना चाहिए। अब आपको एक धार्मिक उल्लेख बता देती हूँ कि जिस व्यक्ति को बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी करनी हो तो अगर कुछ तुलसी के पत्ते अपने तकिए के नीचे रख कर वो सोता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेता है तो धीरे धीरे उसका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। साथ ही उसके व्यापार में तरक्की होती है, अगर वो नौकरी करता है तो पदोन्नति होती है, अगर उसका परिवार है तो परिवार आगे बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि हर तरह की मनोकामना उसकी अवश्य रूप से पूरी होती है।
लेकिन अगर आपको दबी हुई इच्छा पूरी करनी है तो उसके लिए वो पहला उपाय कीजिएगा। और अगर आपकी व्यापार, नौकरी, परिवार या दूसरी कोई इच्छा है तो उसके लिए आप ये 108 बार जो मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हैं, मतलब कि आप ऑलरेडी उनको प्रसन्न रखे हुए हैं, आपके पास धन है लेकिन आप चाहते हैं कि आगे भी धन इसी तरह बरकत हमारे घर में बनी रहे, या फिर आप दरिद्र हैं, पैसे की तंगी है लेकिन माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ऐसे में तुलसी के पौधे के पास सुबह और शाम आप दीपक अवश्य जलाया करें। इससे माँ लक्ष्मी अवश्य रूप से प्रसन्न होती है। और ऐसा करने वाले इंसान को कभी भी धन की कोई समस्या हो ही नहीं सकती। उसका आने वाला भविष्य पैसों से जुड़ी हुई हर समस्या से पूर्ण रूप से दूर रहता है। दोस्तों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि चाहे आप कहीं भी रहते हो, छोटा या बड़ा मकान हो, आप छोटे घर में रहते हो या फिर आप बड़े घर में रहते हो, अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। चाहे गमले में लगाएं या फिर आप किसी बगीचे में लगाएं, क्योंकि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, आप चाहे तो छत पर भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाएं अवश्य। वहां कभी भी, जिस घर में भी तुलसी का पौधा होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती है और परिवार जनों का कल्याण हमेशा ही होता रहता है। एक बात मैं आप सभी को और बताना चाहूंगी, अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में कोई दोष है, नवग्रह की समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति को तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी पूजन से ग्रहों के सभी दोष मिट जाते हैं। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में कलेश चल रहा है, चाहे परिवार जनों में मतभेद चल रहा हो, तो तुलसी पूजा ऐसे व्यक्ति को अवश्य रूप से करनी चाहिए। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ कभी कलेश नहीं होता है। कई घरों में बात बात पर झगड़ा हो जाता है, बात होने से पहले ही झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को सुबह और शाम के समय में अवश्य ही तुलसी जी के सामने दीपक जलाना चाहिए, ये बहुत ही शुभ होता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा मार्गदर्शन अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम।